वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अवर्ण हो और हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर पेपर नंबर 1 और हम यूनिट नंबर 3 दैट इज ड्रामा, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं और ये आपके यूनिट नंबर 3 से संबंधित सेकंड वीडियो होगी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को लेकर के। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था 7 स्टेप्स अराउंड द फायर बाय महेश दत्तानी, यदि आपने उसको अभी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आसिफ करीम भॉय की द डोलड्रम्स, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। यदि अभी तक आपने इसकी थ्योरी को नहीं समझा है, इस ड्रामे को नहीं समझा है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ देयर, वेयर वाज आसिफ करीम भॉय बॉर्न, आसिफ करीम भॉय का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर इज़ देयर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इन विच ईयर वाज आसिफ करीम भॉय बॉर्न, आसिफ करीम भॉय का जन्म 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर विच कल्चरल कम्युनिटी डज आसिफ करीम भॉय बिलोंग टू, आसिफ करीम भॉय किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? एंड इट इज पारसी, ये पारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आसिफ करीम भॉय सर्व इन विच प्रोफेशन बिसाइड्स बींग अ प्लेराइट, नाटककार होने के नाटक लेखक होने के बावजूद आसिफ करीम भॉय किस दूसरे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं? एंड इट इज़ डिप्लोमेसी इन द सेंस की पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स के अंदर जो हायर ऑफिशल्स होते हैं या सलाहकार जो लोग होते हैं उसमें भी आसिफ करीम भॉय ने अपनी सर्विस दी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ आसिफ करीम भॉयज फेमस प्ले रिटन इन 1960 में आसिफ करीम भॉय ने कौन सा फेमस वर्क लिखा था? दैट इज़ द डोल ड्रीमर्स, ये आपके सिलेबस के अंदर भी है और इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ डोल ड्रीमर्स, डोल ड्रीमर्स का सेंट्रल थीम क्या है? सोशल स्टेग्नेशन, है ना, सोशल स्टेग्नेशन, समाज के अंदर जो एक पहचान दे दी जाती है ना, इम्पोज्ड आइडेंटिटी, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, विच लिटरेरी टर्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद आसिफ करीम भॉयज़ वर्क, आसिफ करीम भॉय का वर्क बेसिकली किससे अटैच होता है? दैट इज अब्सर्डिस्ट, अब्सर्डिस्ट का मतलब होता है द आर्ट ऑफ लिविंग दैट हैज़ नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ऐसा कोई राइटिंग वर्क जिसके कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है, अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को पूरी फ्रीडम और लिबर्टी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, आसिफ करीम भॉय वाज नोन फॉर एडवोकेटिंग एंड प्रमोटिंग विच आर्ट फॉर्म, आसिफ करीम भॉय को किस आर्ट फॉर्म को सपोर्ट करने में और उसको प्रमोट करने में मुख्य रूप से जाना जाता है? दैट इज़ थिएटर, थिएटर का मतलब एक्टिंग और ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डिड आसिफ करीम भॉय वाज पास अवे, कौन से ईयर में वो एक्सपायर हो गए थे? दैट इज़ 2005। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री डिड आसिफ करीम भॉय रिप्रेजेंट एज अ डिप्लोमेट, तो डिप्लोमेट के रूप में आसिफ करीम भॉय कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ इंडिया, इंडिया से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म डोलड्रम्स इन द प्ले, डोलड्रम्स जो टर्म यूज़ किया गया है इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसका मतलब बनता है? ए स्टेट ऑफ सोशल स्टेग्नेशन, ये हमने शुरू में ही पढ़ा, सोसाइटी के अंदर एक इम्पोज आइडेंटिटी होती है, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कैरेक्टर इन द डोलड्रम्स प्लेज द गिटार एंड एडवाइस जो गेट ए गर्ल, और इसके अंदर गिटार डोलड्रम्स प्ले द गिटार, इनमें कौन सा कैरेक्टर है जो गिटार बजाता है और एडवाइज़ करता है कि एक गर्ल को अडॉप्ट कर ले? एंड द नेम इज़ टॉनी। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोफेशन डज टॉनी क्लेम टू हैव बिफोर बिकमिंग अ म्यूजिशियन इन द डोलड्रम्स, डोलड्रम्स के अंदर जो कैरेक्टर टॉनी है ये म्यूजिशियन बनने से पहले क्या थे? दिस ही वॉज पर्सनल असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, वाट इज़ द नेम ऑफ रीताज एडमायरर, रीता के प्रशंसक का नाम क्या है? हु गिव्स हर ए गोल्ड प्लेटेड
वॉच स्ट्रैप जो उसको सोने से कवर हुआ, सोने से प्लेट किया हुआ वॉच स्ट्रैप घड़ी का एक पट्टा देता है इन डोलड्रम्स, और उसका नाम है द ड्रंक, है ना, एक नशेड़ी आदमी है वो उसको गिफ्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन एक्ट सेकंड सीन वन, एक्ट सेकंड सीन वन में हु डज रीता रिवील इज द फादर ऑफ हर अनबोर्न चाइल्ड। अब यहाँ पर रीता जो है उसके एब्डोमेन में कोई बच्चा है, और उसके पिता कौन है, किसको रिवील करती है, और उसका नाम है जो। क्वेश्चन नंबर 16, विच कैरेक्टर इन द डोलड्रम्स अटेम्प्ट सुसाइड बाय ड्राइंग। इसके अंदर जो नाटक है डोलड्रम्स, इसके अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि डूब करके मर जाने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, दैट इज सीता, रीता। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट न्यूज डज द पुलिसमैन डिलीवर टू लीजा इन एक्ट सेकंड सीन टू। एक्ट सेकंड सीन टू में लीजा को पुलिसमैन कौन सी न्यूज़ देता है, और ये न्यूज़ है जोज सुसाइड की, जो जो है वो उसने सुसाइड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज लीजा रिवील, लीजा रिवील क्या करती है, क्या बात बताती है टू रीता, रीता को अबाउट टोनीज फीलिंग्स टुवार्ड्स हर, टोनी की फीलिंग्स जो कि उसके लिए है। तो आंसर है टोनी इज इंडिफरेंट टू हर, इंडिफरेंट का मतलब होता है लगाव नहीं करता है, मतलब ही डज नॉट लाइक हर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ रीताज अटेम्प्ट टू प्लीज टोनी विद गिफ्ट्स। जब रीता टोनी को गिफ्ट दे करके खुश करना चाहती है तो उसका क्या रिजल्ट निकल करके आता है, टोनी बिकम्स मोर डिस्टेंट एंड इंडिफरेंट। तो जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि गिफ्ट दे देगी वो खुश हो जाएगा, लेकिन वो तो और ज़्यादा डिस्टेंट हो गया, और ज़्यादा उससे दूर चला गया, एंड इनडिफरेंट, और उसके अंदर जो थोड़े बहुत इमोशंस थे वो भी ख़त्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज द टर्म डोल ड्रमर्स, डोल ड्रम्स रिलेट टू कैरेक्टर्स लाइव्स इन द प्ले। तो यहाँ जो टर्म है डोल ड्रम्स, ये इस प्ले के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनसे किस प्रकार से रिलेट करता है। सो द आंसर इज देयर, इट रिप्रेजेंट्स अ पीरियड ऑफ सोशल एंड पर्सनल स्टेग्नेशन, और यहाँ पर दिखाया गया है ए पीरियड ऑफ ऐसा टाइम, ऐसा एनवायरनमेंट ऑफ सोशल एंड पर्सनल स्टेग्नेशन, किस प्रकार से समाज के अंदर और व्यक्ति के अंदर एक स्थिरता सी आ गई है वो दिखाई गई है। आई होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो एंड यू हैव गॉट enough support from the video. I tried at my best, and kindly subscribe the channel, like video. Thank you very much. Meet you in the next video. Take care.